वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी करने वाले सूर्य कुमार यादव की सराहना पूरे विश्व में हो रही है। उनकी धाकड़ बल्लेबाजी को देखने के बाद ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम की तरफ से उन्हें ऑफर दिया गया है। तो चलिए बताते हैं किस तरह से ऑस्ट्रेलिया के दिग्गजों ने सूर्या पर ऑफर रखा है। दरअसल रोहित कोहली की गैर मौजूदगी में वेस्टइंडीज की टीम के सामने तीसरे मैच में सूर्य कुमार यादव ने धाकड़ बल्लेबाजी करते हुए सभी का दिल जीत लिया था। एक तरफा उन्होंने 44 गेंद में 83 रनों की पारी खेल डाली और अपनी टीम को रोमांचक मुकाबले में जीत दिला दी। 10 चौके और 4 छक्के उन्होंने अपनी इस पारी में लगाए, जिसके बाद ग्लेन मैक्सवेल का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, सूर्य कुमार यादव इस सदी के सबसे बेहतरीन T20 क्रिकेट के बल्लेबाज है। मुझे लगता है कि अगर वह ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम में हो तो हमारी टीम विश्व की सबसे मजबूत टीम बन सकती है। उनके पास एबी डिविलियर्स वाली काबिलियत है जो शायद बहुत ही कम खिलाड़ियों के पास पाई जाती है। इस बीच डेविड वार्नर ने भी सूर्य कुमार यादव की तारीफ में कसीदे पढ़े। उन्होंने कहा, अपने आप में यह बल्लेबाज काफी ज्यादा काबिलियत रखता है। छोटे फॉर्मेट में बल्लेबाजी करने की अपने आप में इसकी बल्लेबाजी को देख काफी ज्यादा हैरानी होती है। मुझे लगता है एबी डिविलियर्स के बाद दूसरा अगर कोई बल्लेबाज है तो वह सूर्य कुमार यादव ही है। साथ ही स्टीव स्मिथ ने तो यह भी कह दिया कि अगर सूर्य कुमार यादव आना चाहे तो वह ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए उन्हें मांगी रकम भी दी जाएगी। उनकी काबिलियत सिर्फ ऑस्ट्रेलिया टीम के साथ ही जुड़ सकती है। इस तरह से ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने सूर्य कुमार यादव की तारीफ में कसीदे पढ़े हैं। वैसे आप सभी को क्या लगता है कि सूर्य कुमार यादव को ऑस्ट्रेलिया से खेलना चाहिए या नहीं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा।